अस्सलाम वालेकुम। इन वीडियो में पढ़ासी हॉर्मोनल रेगुलेशन इन मेल्स। मेल में अंदर अस हॉर्मोनल रेगुलेशन पढ़ासी, यानी कड़ा हार्मोन जी मेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मेंटेन कंदा, उन फंक्शन जो रेगुलेट कंदा, मेंटेन कंदा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल मेंटेन्स एंड रेगुलेट्स इट्स फंक्शंस थ्रू सर्टेन हॉर्मोन्स। मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पाँ फंक्शन जो मेंटेन रेगुलेट कर कुछ हॉर्मोन के जरिए, ठीक है। दी मेन हॉर्मोन्स आर इन्वॉल्व्ड इन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन जिसे अस FSH चवंदासीं, ल्यूटिनाइजिंग हॉर्मोन जिसे अस LH चवंदासीं, इनहिबिन एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हॉर्मोन जिसे अस GnRH चवंदासीं, ठीक है। ये मेन हॉर्मोन्स हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होंदा, ठीक है। जेके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जा फंक्शन जेके मेंटेन कंदा नहीं रेगुलेट कंदा नहीं। केड़ा हार्मोन? ही पंज हार्मोन इते असांखे ॿुधाए थो। टेस्टोस्टेरोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जेके असां FSH चवंदासीं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जेके असां LH चवंदासीं, ठीक है। इनहिबिन एंड गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। हाणे हिन में असां हिकु सां पढ़ूं। पहिरियों आहे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जेको आहे ही प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन आहे जेको प्रोड्यूस कयो वेंदो आहे टेस्ट जे ज़रिए, ठीक है। टेस्ट के जरिए टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस किया वो है। टेस्ट में अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल हूँ, बुधा तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में अंदर अस प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स मौजूद हूँ जिनके अस लेडिक सेल चवंदा आयो। ये लेडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल जी ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस कंदा, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल जी पान सिग्नल मिलो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के जरिए, ठीक। ही वरी टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट कंदा। इट्स प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टिश्यूज इंक्लूडिंग दी टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स, ठीक है। इन जो क्रूशियल रोल हों, अहम रोल हों मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट में, सही है, या टेस्टिस की डेवलपमेंट में। प्रोस्टेट जो ग्लैंड या सेमिनल वेसिकल ग्लैंड इनकी डेवलपमेंट में अहम रोल हों टेस्टोस्टेरोन जो, ठीक है। जेडी मल स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस थे ओडी मल जो उनमें सेमिनिफेरस ट्यूबुल में अंदर जर्मिनल एपिथेलियम लेयर मौजूद हुए उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पिण टेस्टोस्टेरोन कराइंदा, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सच एज फेशियल एंड बॉडी हेयर ग्रोथ, जी फेशियल जो बॉडी के हेयर्स हैं उनकी ग्रोथ कराइंद टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। किन जगह से जो हेयर्स न हों उन जगह से हेयर्स अची वा, ठीक है। जैसे मेल जो है मेच्योर थी है, डीपनिंग ऑफ दी वॉइस, वॉइस जो है थ्लो थे पिण टेस्टोस्टेरोन कराइंद, ठीक। जैसे मेल जो है वो उन टाइम प्यूबर्टी में जैसे वो मेच्योर थी तो उनमें सेकेंड सेक्सुअल कैरेक्टर शो थी तो वो उनमें आवाज़ भी जो है थ्लो थो। जैसे अस नंढन बारे में ऐसी मेल और फीमेल में जो है उनको आवाज़ सन्नड़ो हों, फर्क से मालूम न कर सकंदासीं त छोकिरो थो ॻाल्हाए या छोकिरी थी ॻाल्हाए तक़रीबन, ठीक आहे। पर जेॾी महिल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जेके ईंदियूं त आवाज़ जेको आहे उनजो डीप थींदो मेल जो, उहो छाजे करे टेस्टोस्टेरोन जे करे। ऐं पिण मसल जो मास जेको आहे उनजी डेवलपमेंट कराईंदो आहे टेस्टोस्टेरोन, ठीकु। हाणे असां पढ़ंदासीं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जंहिंखे असां FSH चवंदासीं। FSH जेको आहे प्रोड्यूस कयो वेंदो आहे पिट्यूटरी ग्लैंड जे ज़रिए। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी एंटीरियर लोब जो हों पे हों FSH, ठीक है, उत ही प्रोड्यूस वरी हाइपोथैलेमस मां GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो निकर हाइपोथैलेमस वो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से वो एक्ट कर वरी एंटीरियर लोब में ही FSH हार्मोन रिलीज थी वरी वो एक्ट कर वही टेस्टिस में, ठीक है। टेस्टिस में अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल हों, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में सेल्स होंदा सेटोलाइज सेल, ठीक है। उन्हनि ते ही एक्ट कंदो, उहे सेटोलाइज सेल छा कंदा स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कराईंदा, उनखे प्रोमोट कंदा यानी स्पर्म प्रोडक्शन कराईंदा, ओके। FSH हार्मोन जेको आहे फीमेल में भी रिलीज थींदो आहे, मेल में भी रिलीज थींदो आहे, ओके। मेल में चयो त हीउ प्रोमोट कंदो आहे डेवलपमेंट ऐं मेच्योरेशन जेकी आहे स्पर्म सेल जी यानी स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद ॾींदो आहे, ठीक आहे। कंहिंमें अंदरि सेमिनिफेरस ट्यूबुल में अंदरि जेके जॾहिं प्रोसेस थींदो आहे। इट ऑल्सो स्टिमुलेट दी प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ही पिण स्टिमुलेट कंदो आहे प्रोटीन जी प्रोडक्शन लाइ जेके प्रोटीन नेसेसरी आहिनि घुर्बल आहिनि स्पर्म जी प्रोडक्शन लाइ यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन लाइ। इन खां पोइ आहे इनहिबिन। इनहिबिन ही हार्मोन आहे
पेप्टाइड हार्मोन यानी जी नेचर जी हूँ प्रोटीन नेचर होंगी ही रिलीज थी सेटोलाइज सेल्स का ये सेटोलाइज सेल जी प्रोड्यूस कहानी पैर अग में वे लेक्चर में बुधा इनहेबिन हार्मोन इनहेबिन हार्मोन इनहेबिट कोकिन कंके फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की सीक्रेशन की एफ एस एच हार्मोन जो है उनके इनहेबिट कोकिन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेटोलाइज सेल से एक्ट टेस्ट्स में अंदर ठीक है सेटोलाइज सेल कराइन स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कराइंदा जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जैसे हद का तो वही सेटोलाइज सेल इनहेबिन हार्मोन रिलीज कंदा जो वो इनहेबिट कफ एस एच के तुम्हें सीक्रेशन स्टॉप कर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस की लेवल जी नॉर्मल रहे हाँ अस पढ़ू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे असं एल एच चवंदी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये फीमेल में भी प्रोड्यूस मेल में भी प्रोड्यूस सही इनके असं मेल में चंदा आई सी एस एच इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल जी यानी तुम्हें बुधा तो सेमीफ्रेस्ट्यूबल के विच में जो सेल पे हूँ इंटरस्टिशियल सेल ये इन सेलन से एक्ट कीक ये जो है प्रोड्यूस एल एच हार्मोन जो है प्रोड्यूस पिचुटरी ग्लैंड में उन इंटीरियर लोब है ठीक है जिते एफ एस एच पो है ये पिण इतने प्रोड्यूस हि वे एक्ट कैस्टस से एक्ट कैस्टस में अंदर सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल उन विच में सेमिनिफ्यूरस ट्यूब्यूल के विच में जो एक्ट बिटवीन में सेल्स पिया हूँ लेडिंग सेल्स ठीक है जैसे अस इंटरस्टिशियल सेल चाहिए उन एक्ट कैस्टिमुलेट क टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जी लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कन ओके इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन इनटू द ब्लड ये जो हार्मोन है ट्रिगर टेस्टोस्टेरोन के ब्लड स्ट्रीम में दाखिल थे हाँ अस पढ़ू गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जैसे जी एन आर एस चवंदी ये जो गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है प्रोड्यूस किया हाइपोथैलेमस के जरिए जो ब्रेन जो पार्ट है ठीक है गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये वो हार्मोन है जो पा स्टिमुलेट गोनेटोट्रोपिक हार्मोन के गोनेटोट्रोपिक हार्मोन वो हार्मोन हूँ स्टिमुलेट कन एक्ट कन गोनेट्स से ठीक है जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है एफ एस एच एल एच ये हार्मोन जो गोनेटोट्रोपिक हार्मोन है तो जी एन आर एस जो है वो गोनेटोट्रोपिन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन है सही है ये वो हार्मोन है जो गोनेटोट्रोपिक से एक्ट यानी एफ एस एच एल एच के इनके स्टिमुलेट वरी ई वरी पान वींदा वरी एक्ट कंदा टेस्टिस से यानी गोनेट्स से सही है ये स्टिमुलेट जी एन आर एच स्टिमुलेट एफ एस एच के एल एच के पिचुटरी ग्लैंड का जी एन आर एच की सीक्रेशन जी रेगुलेट की नेगेटिव फीडबैक के जरिए जिते लो लेवल जी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वह स्टिमुलेट की है जी एन आर एच की सीक्रेशन के ठीक है टेस्टोस्टेरोन की लेवल लो होंगी तो वह स्टिमुलेट की जी एन आर एच की सीक्रेशन के जी एन आर एच सीक्रेट हाइपोथैलेमस में वो वो एक्ट केंदे एंटीरियर लोब से एक्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एक्ट वरी प्रोडक्शन स्टार्ट एफ एस जी एल एच जी वरी इन नतीजे में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एल एच जी प्रोडक्शन के नतीजे में वरी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जी है वह शुरू थी ठीक है वरी जैसे टेस्टोस्टेरोन की लेवल वधी वेंदी लेवल राइज थी तो ये टेस्टोस्टेरोन जो है वह इनहेबिट कंके जी एन आर एच के जैसे नतीजे में वरी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एल एच हार्मोन की प्रोडक्शन जी है वह डिक्रीज थी ओके ये डायग्राम है जैमें असें बुधाए तो ये हार्मोनल कंट्रोल अस बुधाए तो ये हाइपोथैलेमस है उन जी एन आर एच रिलीज तो थे ठीक है ये जी एन आर एच जो है एक्ट तो करे इंटीरियर लोब है पिचुटरी ग्लैंड इतों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एल एच हार्मोन निकरन था वरी उ इन टेस्टिस गोनेट्स से एक्ट था कन ठीक है इनके नतीजे में आए इनके नतीजे में जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन थे थी ठीक है एल एच जो हार्मोन है एक्ट इंटरस्टिशियल सेल से जो प्रोड्यूस कंदा टेस्टोस्टेरोन एफ एस एच जो है टेस्टिस से एक्ट तो पर कें एक्ट सेमिनिफेरस ट्यूबुल में अंदर सेटोलाइज सेल जी उन एक्ट प्रोडक्शन स्पर्म सेल की वरी जैसे टेस्टोस्टेरोन जो है उनकी लेवल थी वही है वो नेगेटिव फीडबैक दीन पिचुटरी ग्लैंड के इनके जी एन आर एच के सीक्रेशन जी है स्टॉप कर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है जैसे स्पर्म की प्रोडक्शन थी वह है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के इनहेबिट किया इनहेबिन
हार्मोन जे ज़रिए इन एबिन हार्मोन जो सेटुल सेल सिक्रेट कह वो नेगेटिव फीडबैक दिनों वो जी एन आर एच की तॉप की सिक्रेशन उन जरिए वही फोलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है सिक्रेट नी हुई लेक्चर जैमें अस हार्मोन्स पढ़िया मेल जहाँ कड़ा हार्मोन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिसटम के उन फंक्शन के मेन्टेन था कन रेगुलेट था कन इनशाला अस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिसटम ठीक है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिसटम जो वीडियो ये रिकॉर्ड थल है जो 27 मिनट जो 27 मिनट जो है ठीक है जैमें मां डायग्राम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिसटम समझाया है उनखों टेक्स्ट से शुभ समझाइन जो टेक्स्ट में लिखल ठीक है तो वो लेक्चर जो है तुम कंप्लीट बुधा ओके अल्लाह हाफिज़।